5000 रुपए मीटर वाली नेट है। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्लॉग में मैं आपको सॉरी, वीडियो में आज 26 जनवरी को जो सेल लगा था सब शेयर करूंगी इन द लुक मार्ट, उस पे से क्या क्या अच्छी अच्छी डील्स थी और मैं वहां से क्या क्या लेके आई हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी, सर्च भी बताऊंगी, फैब्रिक्स कहाँ से मिलते हैं वो भी, किस गली से आपको फैब्रिक परचेज करनी है और कितने प्राइजेस में मैं लेके आई हूँ, उससे मैंने किस तरह से डिजाइन करके उसको मेरी वीडियोज पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो स्टिचिंग करते हैं और जो बुटीक वाले हैं वो मेरे काम की होने वाली है। ऐसी गलियां बताऊंगी ना जहाँ पे आपको सस्ती से सस्ती डिजाइनर फैब्रिक्स मिलने वाली है। स्टार्टेड वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक, जी तो इन लिया के फैब्रिक के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि सबसे अच्छे फैब्रिक इनके पास आते हैं। ये जो फैब्रिक आपको दिख रही है ना, ये फुल सीक्वेंस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी जो प्राइस थी पर मीटर 1000 रुपीज़, इसका मैंने 2 मीटर लिया। साथ में इनके पास ऑर्गेन्जा आई हुई थी, ये भी मैंने ले लिया था 5 मीटर। ठीक है, और इनके पास शनील के बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्योंकि अभी विंटर चल रहे हैं और विंटर में सब शनील के ड्रेसेस ही सिलवा रहे हैं, तो अगर आपको लेना है शनील वाले ड्रेसेस, वेलवेट वाले बहुत खूबसूरत पार्टी वेयर, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका एड्रेस अभी मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 100 रुपये में 5 मीटर के सर के कपड़े मिल रहे थे, ये कॉटन नहीं है, ये सिल्क टाइप का कपड़ा था, बहुत ही पतला सा। अच्छा, ये लेस वाली शॉप है, अगर किसी ने इस लेस वाली शॉप वाले भैया से शॉपिंग की है तो उनको पता होगा ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर लेसेस सेल करते हैं। हाँ, प्राइजेस थोड़े से हाई होते हैं क्योंकि जैसे इंद्रलोक मार्केट में सारी चीज़ें सस्ती मिलती है तो ये थोड़े से हाई रखते हैं अपने प्राइजेस, क्योंकि लेस की क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस आप जैसा चाहेंगे वैसा लेस इनके पास मिल जाएगा, आप कपड़े लेके जाए मैचिंग करा लें, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये रिपब्लिक डे वाले दिन के पहले वाला जो हफ्ता था ना, पहले वाला दिन था, उस दिन ये लगा हुआ था, प्योर जॉर्जेट में लखनवी डिज़ाइन किया हुआ था, जो 250 रुपये मीटर में भैया दे रहे थे, काफ़ी अच्छी डील थी। अच्छा, फिर से मैं उन्हीं भैया के पास आ गई हूँ, इनके पास फिर से यही वाला फैब्रिक था और शनील का ऑप्शन था और ज़्यादा माल भैया ने खोला ही नहीं था क्योंकि कमेटी वालों ने बहुत परेशान कर रखा था। अच्छा, इनके फेस के बिल्कुल सामने, ठीक सामने आप जाएंगे तो एक गली दिखेगी, गली के साइड में एक शॉप भी है जहाँ पर चीज़ वगैरह मिलती है, तो वहीं पर एक भैया और बैठते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ उनका शॉप। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह के फैब्रिक्स मिल रहे थे 50 रुपये मीटर करके, और इस तरह के गाउन वगैरह आप बना सकते हैं, दुपट्टे भी बन जाएंगे, लेकिन मुझे जाना था दूसरे वाले भैया वाले भैया के शॉप जहाँ पे मस्त मस्त से फैब्रिक आती है हमेशा हर हफ्ते। इस बार मैंने इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी ले लिया है। अच्छा, ये देखिए, इस तरह के फैब्रिक आए थे पूरे काम वाले, ये तो 50 रुपये पर मीटर, कलिया 50 की थी और जो फैब्रिक आपको दिखेंगे ये 50 रुपये मीटर की थी, और दुपट्टे थे प्योर के 50 रुपये मीटर के, बाकी जो नीचे फैब्रिक दिख रहा है वो 150 रुपीज़ पर मीटर, जिस पे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था ये वाले डिज़ाइंस जो नेट के हैं। इस बार मैं लेके आई हूँ 3 पीसेस, 3 कलर्स, और जितने भी फैब्रिक आपको दिख रहे थे वो 150 रुपीज़ पर मीटर। अब मैं आ गई हूँ फिर से वही वाले भैया के, लेस वाले भैया के शॉप पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे 160 रुपीज़ पर मीटर के हैं ये सारे लेसेस। अच्छा, इसमें से 10-20 रुपये कम हो सकते हैं एक दो के, किसी के 140, 150 और 150 तक के ज़्यादा हैं, और ये जो रेड वाली है ना ये 200 रुपीज़ पर मीटर के थे, ये 180 रुपीज़ पर मीटर के हैं, तो इसमें से भी कुछ लेसेस मैंने लिए, अभी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। ठीक है, लेसेस को क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, गोल्डन और गोल्डन में बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे, आजकल तो गोल्डन ही प्लेन कपड़े लेके लोग गोल्डन में ही स्टिच करवा रहे हैं। लेसेस जो होती है ना कपड़ों के काया पलट कर देती है, मतलब कुछ कपड़ा लाते हैं हम लोग लेस लगाते हैं उसकी कुछ ही और ही लुक हो जाती है, बहुत मज़ा आता है लेसों के साथ, मुझे तो प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जैकेट वगैरह सेल हो रही थी, आई थिंक 300 की सेल थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलवेट की कुर्तियाँ हैं जिनके नेक पे हैवी वर्क किया हुआ है और प्राइजेस थे 700 रुपीज़, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स ऑप्शन थे। अच्छा, वीर बाजार नहीं लगने का कारण आप देखिए, ये MCT की जो गाड़ी है ना ये आई हुई है और जो जिन्होंने भी लगाया उनके माल ये उठा कर ले जाते हैं, तो यही परेशानी है, पूरी मार्केट नहीं लग रही है। अब आ चुकी हूँ मैं वन बाई वन आपके
के साथ सब कुछ दिखा। जो फैब्रिक्स इसके पहले वाले वीक में मैंने परचेज किया था वो मैंने ऑलरेडी कुरियर कर दिया है, तो उसको मैं नहीं दिखा पाऊंगी। जो मैं इस बार के सेल से लेके आई हूँ वो दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये जो बैग्स थे, स्कूल बैग्स, काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए थे। ये 100 रुपीज़ के सेल थे जिसमें से मैंने एक लिया। आप देख सकते हैं इसमें स्काई बैग का टैग लगा हुआ है। अब टैग से क्या होता है, टैग तो वैसे भी लगा देते हैं, बाकी क्वालिटी जब मैं यूज़ करूँगी तब पता लगेगा कि बैग कैसी है। वैसे मुझे ठीक ही लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। 100 रुपीज़ में आखिर मिलता क्या है। अच्छा, जिप जो होती है ना उससे पता लगता है कि बैग अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। नीचे जो रेन कवर के लिए पॉकेट दिया गया था उसका जिप खोलते ही मुझसे टूट गया। अब जिप चेंज हो जाएगी, कोई नहीं, मैं चेंज कर लूंगी। 100 रुपीज में बहुत अच्छी डील थी इसलिए मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जो नॉब है वो टूट गया और इसमें दिया गया, इसमें ये वाला था, ये था इसका रेन। और ये है प्योर का फैब्रिक जिसमें फुल वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई है धागे से और क्या कहते हैं उसको, तिल्ला, हाँ तिल्ला वर्क किया हुआ है, सितारे लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन था, रेड और ब्लू का कलर काफ़ी अच्छा था। अच्छा, इसका मैंने लिया 5 मीटर्स। अब इसका सिस्टर क्या बनाएगी वही जाने, मुझे जो बोला गया था मैं उनको लाके दे दिया। अच्छा, ये है नेट वाला फैब्रिक जो मैंने पिछले हफ्ते भी आपको दिखाया था, इसका ये कलर लिया, सी ब्लू कलर, बहुत प्यारा कलर है, समर के अकॉर्डिंग A1 कलर है ये। तो इसका 2.5 मीटर लिया है। और भी मैं भी आगे चल के दिखाती हूँ। इस तरह के कट वर्क बने हुए नीचे, आप इसको साड़ी आराम से बना सकते हैं। और अगर आप सोचिए कि ऊपर के बॉर्डर की तरफ जो हमारे चेस्ट की तरफ से जाती है उधर कैसे बॉर्डर लगेगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें, नीचे जो लेस की तरह कट बनाए हुए हैं उसको कट करके आप अटैच कर दें। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाओ यार, इतने दिनों से मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। जस्ट किडिंग, मजाक था। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी इस तरह के बॉर्डर बनाने में, मैं अगली बार या फिर किसी एक ब्लॉग में इस तरह के साड़ी नेट ला कर साड़ी बना के आपको दिखा दूंगी किस तरह से आप साड़ी बना सकते हैं। ये है उसका दूसरा कलर, वाइन कलर है, बहुत मस्त सा कलर है। जिस तरह का आपको वीडियो में दिख रहा है ना, सेम वही कलर है। और इसका अगर साड़ी बनाया जाए, उफ, शिल्पा शेट्टी से तो कम लग नहीं रहा, मतलब शिल्पा शेट्टी को भी अच्छा, सेल कर देंगे। एक नेट होती है ना जो हार्ड हार्ड सी होती है, बहुत खड़खड़ सा होता है, मटेरियल अच्छा नहीं होता, फुला फुला से रहता है। ये उस तरह का नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। और ये मत समझना कि इसको पहन के आप मोटे लगोगे, ये पतले, इनफैक्ट पतले लगोगे आप। और हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो जानी है कि मुझे साड़ी पहन के पतला लगना है, तो आप पतले दिखोगे और खूबसूरत भी। ये था उसका थर्ड कलर, बहुत ही खूबसूरत सा पीच कलर है। इसका बनेगा साड़ी, इसमें लेकिन सिर्फ 5 मीटर था तो मैंने पूरा का पूरा 5 मीटर ही ले लिया। और आप देखते हैं ना आजकल जैसे मनीष मल्होत्रा कलेक्शन में आप देख सकते हैं इस तरह की साड़ियाँ जो सेलिब्रिटीज़ पहनती हैं, सेम वही फैब्रिक है। तो बिल्कुल सस्ती रेंज में अगर आपको मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइनर साड़ी पहननी है, जहाँ पे जिस गली पे मैं कहती हूँ ना, एड्रेस बताती हूँ, उसी गली पे जाओ, वहाँ से फैब्रिक लो और ख़ुद डिज़ाइन करो, पैसे बच जाएंगे आपके। और ये था, मैंने दुपट्टे के ले लिया था, प्योर का फैब्रिक था। आप इसका अर्ज़ देख सकते हैं, मेरे सोफ़ा जो है ना आधा से ज़्यादा कवर कर लिया, इतना बड़ा अर्ज़ है। 50 रुपये पर मीटर, 150 रुपये का दुपट्टा पड़ा है। यही दुपट्टा अगर आप गुलाटी से लेने जाओगे तो 700 के नीचे नहीं मिलने वाली। अच्छा, ये था लेस जो मैंने लिया 2.5 मीटर प्लेन वाला, ये कट वाला लिया 2.5 मीटर, ये 160 रुपये या फिर 180 रुपये इस तरह से पर मीटर पड़ा था। ये भी 180 रुपीज़ पर मीटर पड़ा था। और मैं थोड़े से दाम में कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, लेकिन रेड वाले जो है ना वो 200 रुपीज़ पर मीटर थी, ये मुझे याद है। अच्छा, मेरी वीडियो जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसी इंद्रलोक की कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको फैब्रिक कहाँ पे मिलती है इसकी डिटेल में आपको बताया जाए, उसके मैचिंग के लेस कहाँ से मिलेंगी ये बताया जाए, और फैब्रिक वगैरह ला कर डिज़ाइन कैसे करोगे मैं डिज़ाइनिंग बताती हूँ, आपको स्टिच कैसे करना है वो भी बताती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता रही हूँ, इसके लिए एक लाइक तो जी जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी नए देख रहे हैं व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, बेल के जो आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो जो फैब्रिक मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट बीर बाज़ार से और उसको डिज़ाइन कैसे करती हूँ वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ध्यान रखो।